गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैंने बस अभी 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 को स्कूल ड्रॉप करा है। इतनी भागम भाग हो रखी थी ना कि हम सुबह तो कुछ शूट ही नहीं कर पाए, लेकिन बस अभी उसे स्कूल ड्रॉप कर दिया है। उसका स्कूल है मेरे पीछे। और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर ना एक बड़ा अच्छा कैफे है, शायद मैंने थोड़े दिन पहले अपने एक ब्लॉग में भी दिखाया था, फ्लावर हाउस। तो मैं सोच रही हूँ वहां जाते हैं, एक अच्छी सी कॉफी लेते हैं, आराम से बैठकर जो भी मुझे अपने सोशल मीडिया का काम करना है, अपना व्लॉग एडिट करना है, वो सब करती हूँ, ठीक है। और मुझे अपने दो असाइनमेंट भी पढ़ने हैं, क्योंकि फ्राइडे को मेरा टेस्ट है, एक नहीं दो दो टेस्ट है। तो फ्राइडे के दिन में तो बहुत कुछ होने वाला है, तो वो आपको पता लगता रहेगा जैसे जैसे ये वाला व्लॉग आगे बढ़ेगा और कल का व्लॉग आएगा। तो अभी चलते हैं उस वाले कैफे में, अच्छी सी पीते हैं कॉफी, बैठ के करते हैं पढ़ाई, बैठ के करते हैं स्टडी, और करते हैं व्लॉग भी एडिट, ठीक। तो जिस कैफे में मुझे जाना था वो कैफे बंद है आज, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं प्रेट आ गई हूँ। वो कैफे बहुत अच्छा है यार, एक लड़की रन करती है, और कोइंसिडेंटली वो लड़की अबीर के स्कूल में ही उसने अपनी स्कूलिंग करी हुई है, और अब उसने अपना बिजनेस खोला हुआ है, और इट्स अमेजिंग कैफ़े। आई रियली वॉन्टेड टू गो टुडे बिकॉज लास्ट टाइम मैं बहुत जल्दी में थी, तो मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाई थी वहाँ पर सौरभ के साथ। तो मैं सोचा था आज जाऊँगी, आराम से बैठूँगी, बट फॉर सम रीज़न इट इज़ क्लोज। तो चलो कोई नहीं, यहीं बैठ के अपना काम ख़त्म करती हूँ और प्रेट की फिल्टर कॉफ़ी इन्जॉय करती हूँ। हे गाइस, कैसे हैं सब लोग। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला शूट करने का। अभी फिलहाल मैं गाड़ी पार्क करने की कोशिश कर रही हूँ, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है आज। अभी मैं आई हूँ सौरभ सूरी को पिक करने, वो आ रहा है शायद बर्मिंघम से, या बर्मिंघम से सौरभ को पिक करूंगी और उसको घर छोड़ूंगी, क्योंकि अभी भी वो काम पर ही है, उसका काम खत्म नहीं हुआ है। तो उसके बाद अभी को पिक करने जाऊंगी। मेरे पीछे इस टाइम गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और वो लोग वेट कर रहे हैं कि मैं जल्दी से मूव करूँ और वो लोग पार्क कर सके। वाय हमारे दर पे, कभी हम उनको देखते हैं तो कभी हम अपनी गाड़ी को देखते हैं। जल्दी आ जाओ, कैब ड्राइवर खड़ी है यहाँ पर, आपका वेट कर रही है। अपनी जैकेट उठा, गंदी हो जाएगी। आए जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी, काम बहुत सारे हैं हमारे पास। कैसे हो जी? तो एकदम छाया हुआ हमारे कैमरे पे, थोड़ा सा दूर कर देते हैं आपको। चलो चले, चल जल्दी चल, मेरे को एक कॉल पे भी जाना है। तो बस सूरी साहब को मैंने घर छोड़ दिया, ठीक है, उसकी अपनी कॉल्स थी, और अभी मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान नहीं बोलूंगी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। तो क्या था कि कल अभी जा रहा था उर्वशी भानु के घर पर प्ले डेट के लिए। प्ले डेट मतलब वो उसकी बेबी सिटिंग करने वाले थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अबीर के स्कूल की छुट्टियां कल से शुरू हो रही हैं, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुझे ऐसा कैसे लग रहा था। तो फ्राइडे को मेरा कॉलेज होता है और कल मेरे कॉलेज में मेरा एग्जाम है, और सौरभ को कल लंदन पहुंचना है, उसकी पूरा दिन लंदन में मीटिंग्स है। तो हम लोग ये परेशान हो रहे थे कि कल से स्कूल बंद हो रहे हैं, मतलब कल पहली छुट्टी है, तो हम कल से अबीर को कहाँ भेजेंगे, क्योंकि कल की हमें हॉलीडे क्लब की बुकिंग नहीं मिली थी। तो जब हमने उर्वशी भानु से डिस्कस करा, सो उर्वशी बींग उर्वशी, वो तो हमेशा हेल्प के लिए आगे रहती है, शी सेड कि आप इसको हमारे पास भेज दो। तो हमने ये डिसाइड करा कि सौरभ लंदन जाते हुए इसको छोड़ता जाएगा उर्वशी भानु के घर पर। लेकिन आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा मैं एक बार ना हॉलीडे का टाइम टेबल दोबारा देख लेती हूँ। जब मैंने चेक करा, छुट्टियां कल से नहीं मंडे से हो रही, तो मंडे को पहली छुट्टी है और कल अबीर को स्कूल जाना है। आई डोंट नो अब क्या होगा जब मैं अबीर से बात करूंगी इस बारे में, क्योंकि कल हम सारा दिन यही बातें करते रहे मैं और अबीर, कि कितना मजा आएगा भानु उर्वशी के घर पर, तू क्या क्या करेगा, यू नो इट विल बी फन। फिर मम्मी शाम को आ जाएगी कॉलेज, तो मैंने सोचा था कॉलेज के बाद मैं सीधा ट्रेन लूंगी और मैं उर्वशी भानु के घर जाऊंगी और सौरभ लंदन से उनके घर पहुंच जाएगा। लेकिन वो सारा प्लान जो है ना वो चौपट हो गया, तो क्योंकि कल अबीर को स्कूल जाना है। तो अब कॉलेज जाने से पहले मैं अबीर को स्कूल छोड़ूंगी, सौरभ नॉर्मल अपना लंदन जाएगा, और फिर बस हम उर्वशी भानु के घर नहीं जाएंगे कल, लेकिन शायद हम सैटरडे को चले जाएं। तो अभी देखते हैं। हेलो अबीर सूरी। हेलो अबीर सूरी ने मेरी जैकेट पहनी हुई है, यू नो यू कैन वेयर माई जैकेट नाउ, तो देख सकते हैं आप। Somebody is sad, मतलब एक्टिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है। चल गाड़ी में, मैंने तेरे को समझा दिया था सब कुछ। अच्छा इधर तो आओ,
बेटे वहां पर निशान पड़ते हैं ना मेरे, मुझे उसकी उसकी भी फिक्र है, तुम्हारी भी फिक्र है. अच्छा सुनो, वी आर गोइंग टू भानु ऋषि हाउस ऑन सैटरडे नाइट, लाइक सैटरडे इवनिंग आफ्टर योर ड्रामा. मुझे खुद को अपने में इतना गुस्सा आ रहा है बेटा. डोंट वी विल गो. अच्छा आज क्या हुआ स्कूल में? My God, I want to play Nintendo. Okay, you will play Nintendo. Okay. It slipped out of my hand. तुम फालतू की हरकतें करते हो ना, तभी मैं तुम्हें कुछ लेकर नहीं देती. जाओ इधर आ जाओ. Keep that seat. Short two. आपको निंटेंडो खेलनी है सैटरडे को? You will play Nintendo. ठीक है, मैं भानु को बोल दूंगी, भानु will let you play. The last day school का, last day. Mummy will drop you while going to college and mummy will pick you after her college. ठीक है? और सीता और गीता भी जाएंगी. You remember सीता और गीता? Those blockheads. I know. चलो अभी फटाफट से, डैडी इज स्टिल ऑन द कॉल्स. ओके हम लोग फटाफट से जाते हैं, पहले टॉयलेट और उसके बाद शावर. चलो सौरभ का ट्रैवल बैग खाली करा है, सारे गंदे कपड़े निकाले हैं. और आज मैं पाउंडलैंड चली गई थी, तो पाउंडलैंड से कुछ सामान लेकर आई हूँ. ये मुझे गिफ्ट बैग चाहिए था. गिफ्ट बैग्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं पाउंडलैंड से ना, गिफ्ट बैग, गिफ्ट रैपर्स, अच्छे इकोनॉमिकल प्राइस पे. और मैं ये बास्केट लेकर आई हूँ, इसमें ना गीले कपड़े डाल के रखने के लिए. मैंने बंदी होगा तो मेरा सामान भी सारा इस बास्केट के अंदर ही डाल दे, क्या मुझे अलग से बैग देगी. तो इस बास्केट की मुझे बहुत ज़रूरत थी. ये ना वॉशिंग मशीन से गीले कपड़े निकालने होते हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है. और अबीर के लिए कुकीज लाई हूँ और ये लेकर आई हूँ फैब्रिक रिफ्रेशर, ख़त्म हो गया था घर में. टूथब्रश ये अबीर को बहुत पसंद है, न्यूटेला इनको. तो ये ब्रेड स्टिक्स होती हैं और इसके अंदर न्यूटेला होता है, बच्चों के लिए अच्छा है, स्नैक पॉट बन जाता है. और ये एक शैम्पू लेकर आई हूँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा, शी सेड एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना, तो ये लाई हूँ. बस बाकी सब इधर उधर की चीज़ें. और मेरा दिमाग देखो, मैं जिस चीज़ के लिए स्पेशली गई थी पाउंडलैंड, मैं वो लेकर ही नहीं आई हूँ, टोस्टर बैग्स. चलो कोई बात नहीं, दोबारा चक्कर लगेगा. हाँ लेट्स गो कुकीज. ये ना दूध के साथ खानी है रोज रात को, खाने के बाद दो कुकीज और एक कप दूध पी के सोना है. ठीक है? और मैं आपके लिए ले आई हूँ टाइम आउट. गाइस इंडिया में पर्क नहीं आती थी, पर्क ये बिल्कुल वैसी होती है. तो अभी सूरी के लिए डिनर बनने लग पड़ा है. डिनर मैं खिला रही हूँ उसे गोभी के परांठे. गैस का ना सेक को पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी देर में. और सूरी साहब के लिए बना रही हूँ मैं अजवाइन और नमक के परांठे. मैंने दाल बनाई है, दाल के साथ पका लेंगे. सौरभ को ना ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है, तो सौरभ के लिए मैंने एक बढ़िया सा परांठा रेडी करा है. ओए होए परांठे का आप रंग देखो. आई नो आप लोग डर गए होंगे ये तेल देखकर, वैसे ऑलिव ऑयल है और हम लोग इतना तेल खाते नहीं हैं, बट ये मैंने एक बड़े ही तीन चार परतों का एक परांठा बनाया है. लच्चा परांठा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ परत देखो आप. अरे यार मुँह में पानी आ जाएगा आपको. वह इसमें मैंने डाले हैं चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, घर का बना हुआ जीरा पाउडर. मैंने जीरे को अच्छी तरह से भून के डाला है, अजवाइन. और बस इतना करारा परांठा बनाया जी, मैं खुद कह रही हूँ ये परांठा बहुत मज़ेदार है. सुनिए साहब थोड़ी सी नाना नाना करेंगे, लेकिन हम उनकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे. और आज उनको सर्व किए जाएंगे परांठे दाल के साथ. बस गाइस खाना खा लिया है हमने. इतनी तेज भूख लगी हुई थी ना, शूट वूट करने का तो टाइम ही नहीं मिला टू बी ऑनेस्ट. सौरभ को परांठे बहुत अच्छे लगे एंड या ही एंजॉयड हिज मील, सो आई एम ग्लैड. अब मैं बैठ कर करने वाली हूँ अपनी पढ़ाई, क्योंकि कल है मेरे दो टेस्ट. एक की तो तैयारी पूरी हो चुकी है, एक की तैयारी नहीं हुई है. अभी रात को बैठूंगी, दो घंटे में पूरा असाइनमेंट पढ़ लूंगी. असाइनमेंट है कुछ 32 पेजेस का और उसी में से आने हैं क्वेश्चंस. है तो मल्टीपल चॉइस टेस्ट, सुनने में तो मल्टीपल चॉइस लगता है बड़ा ही आसान है, मल्टीपल चॉइस तो है, लेकिन जब आप वहां करने बैठते हो ना बहुत मुश्किल लगता है ऑनेस्टली. तो बस फटाफट से खत्म करती हूँ अपनी पढ़ाई, फिर सोती हूँ. कल का दिन है बहुत हैक्टिक. जो हम सोच रहे थे कि अभी का स्कूल नहीं है, कल से छुट्टियां हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, कल से स्कूल जाना है. तो सौरभ को जाना है लंदन, तो बस कल
कल के व्लॉग में देखना आप कल क्या क्या होगा। ठीक है, फिलहाल मैं जाती हूँ, फटाफट से कॉफी लेके आती हूँ और अपनी पढ़ाई करने बैठती हूँ।